बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज के व्लॉग में मैं आपको हीर रांझे का मज़ार दिखाने वाला हूं। वो मज़ार, वो आशिक जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। तो चले आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मज़ार का गेट है, यहाँ से एंटर होंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वज़ू खाना है, यहाँ से वज़ू करते हैं लोग। मज़ार के साथ बिल्कुल मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं। और मस्जिद के बिल्कुल बराबर में सहन है बैठने के लिए, जहाँ कवाली वगैरह होती है तो कवाली लोग सुनते हैं। तो इसके बाद फिर मैं आपको अंदर से मज़ार का नज़ारा करवाऊँगा। माशाल्लाह से मज़ार के अंदर आ गए हैं। तो अभी मैं अंदर से आपको पूरा नज़ारा दिखाऊंगा। और इस मज़ार के बारे बहुत एक हैरत अंगेज़ स्टोरी सुनने को मिली है कि इस मज़ार का जो गुंबस नहीं है, तो मैंने जब यहाँ आके देखा है तो बिल्कुल वाकई ऊपर गुंबस नहीं है, खुले आसमान की तरह खुला आसमान नज़र आता है। तो इसके अलावा जो सुनने में आया कि बारिश जब होती है तो गुंबस के अंदर से पानी नहीं आता, ये बिल्कुल फेक है, झूठ है। मैंने जब इंतज़ामिया से पूछा तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत है बारिश, तो बारिश बिल्कुल अंदर आती है। तो बाकी दो दफ़ा गुंबस ऊपर, दो से तीन दफ़ा रखा गया गुंबस, लेकिन वो ऊपर टिकता नहीं, रुकता नहीं है। तो ये भी एक अल्लाह ताला की कुदरत है। तो मैं आपको अंदर से बिल्कुल स्लो मोशन में सारी वीडियो और सारा अंदर का नज़ारा दिखाऊंगा।
मज़ार से बाहर आ गए हैं तो अभी मैं आपको बाहर से सारा नज़ारा करवाऊंगा मज़ार का। और चारों तरफ कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में ये हीर और रांझे का मज़ार है। तो इसके अलावा जो और ज़्यारत है वो रांझे ने जहाँ 12 साल मच्छियाँ चराइयाँ थी वो मैं आपको वो लोकेशन अभी जाके दिखाऊंगा। वो टिब्बे के नाम से उसको लोग जानते हैं। तो रांझे ने उस जगह पर 12 साल मच्छियाँ चराई थी और चारों तरफ कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बिल्कुल बीच में ये मज़ार है। तो मैं बाहर से भी आपको सारा इसका मज़ार का नज़ारा विज़िट करवाऊंगा और अभी उस जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ रांझे ने 12 साल मच्छियाँ चराई थी। ये जो जगह है यहाँ हीर और रांझा आके मिलते थे, इसी जगह पे इनकी मुलाकात होती थी। ये वो जगह है जहाँ रांझा मच्छियाँ चराया करता था। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। Thank you.